नमस्कार, आप न्यू राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले खबर अजमेर विजयनगर से जुड़ी हुई, इसको लेकर नया अपडेट दे रहे हैं। मेला ग्राउंड पर्यटन के लिए रिजर्व लैंड पर जारी पट्टे निरस्त होंगे, बड़ी जानकारी आपके सामने। नगर पालिका ने जारी किए नोटिस, कॉलोनाइजर को पट्टे निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किए हैं और नोटिस की अवधि पूरी होते ही निरस्त किए जाएंगे पट्टे, क्योंकि जी मीडिया ने उक्त घोटाले का खुलासा किया था। ये मामला सामने आया था और उसी के बाद ये असर हुआ है। खुलासे के बाद प्लान निरस्त हुआ था, आरक्षित जमीन पर निजी खातेदारी की स्कीम का स्वीकृत प्लान निरस्त किया था, लेकिन उक्त स्कीम के जारी किए गए पट्टों को निरस्त करने का पेच फंस गया था। नगर पालिका के ईओ प्रताप सिंह भाटी ने इनकार किया था, तो ईओ ने कानूनी अड़चन के चलते इनकार कर दिया था और पट्टे निरस्तीकरण के लिए अपना रहे लीगल प्रोसेस, तय अवधि में जवाब का परीक्षण होते ही निरस्त किए जाएंगे पट्टे। विजयनगर के मास्टर प्लान में स्वीकृत प्लान की भूमि थी, अन्य प्रयोजनार्थ रिजर्व घोटाला उजागर होते ही नगर नियोजन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। स्वीकृत प्लान निरस्त होते ही विजयनगर वासियों ने आभार जताया, गलत प्लान स्वीकृत के जिम्मेदार, नगर पालिका के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। तो नगर पालिका क्षेत्र में अन्य नियम विरुद्ध स्वीकृत प्लान के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज, तो आखिर मिली भगत के चलते स्वीकृत किए गए अन्य मामलों के प्लान को क्या निरस्त नहीं किया गया और क्यों नहीं किया गया है, ये बड़ा सवाल है। क्या नगर नियोजन विभाग अब कदम उठाएगा या फिर मिली भगत के चलते मौन साधेंगे अफसर, ये बड़ा सवाल उठता है। साथ ही साथ क्योंकि जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का असर हुआ है। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत और स्थानीय पत्रकार विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम सिंह, आपका रुख करेंगे, क्या ये पूरा मामला था, क्योंकि जी मीडिया इस मामले को पहले दिखा चुका है और उसका ही असर हुआ है, पूरी जानकारी दें। देखिए, मास्टर प्लान में जो रिजर्व लैंड थी उसमें जो निजी खातेदारी की स्कीम सृजित करके और अप्रूव कर दी गई थी, ये जब मामला प्रकाश में आया जी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया तो विभाग ने तत्परता दिखाते हुए स्वीकृत प्लान को निरस्त कर दिया और विजयनगर वासियों को बड़ी एक वापस सुविधा मिल गई, उनको मेला ग्राउंड और पर्यटन का बड़ा वो सुविधा मिल गई। लेकिन इसके पट्टे अभी निरस्त नहीं हुए हैं, पट्टों को निरस्त करने के लिए जो नोटिस जारी किए हैं, नोटिस की अवधि पूरी होते कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नियम विरुद्ध स्वीकृत किए गए अन्य जो प्लान है उनके खिलाफ विभाग कदम क्यों नहीं उठा रहा। विजयनगर वासी ये सवाल उठा रहे हैं कि अन्य जो मामले हैं विजयनगर में जो गलत तरीके से पास किए गए प्लान है उनको निरस्त नहीं किया जा रहा, ये विभाग में सबसे बड़ा सवाल है। अन्य जो प्रकरण है विजयनगर में, 3-4 प्रकरण है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की रही, उसको लेकर विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। राम सिंह, तो ये कह सकते हैं कि जो अन्य प्लान है, क्योंकि हमने इस खबर को दिखाया था और उसके बाद शायद जो अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार हैं उन पर उन तक ये खबर पहुंची, उसका असर हुआ और उसके बाद ये जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू किया गया, निरस्त किए जाएंगे, लेकिन और जगह क्योंकि अभी तक वो मसला आगे नहीं आया है, या जी मीडिया जब इस मुद्दे को उठाएगा तब जाकर वो निरस्त किए जाएंगे, तब तक ये मिली भगत अधिकारियों की चलेगी। देखिए, विभाग में बिल्कुल हड़कंप है, अन्य मामलों को लेकर के भी दबाव प्रेशर बन रहा है। क्षेत्र के लोग यही कह रहे हैं कि भाई अन्य मामलों को भी प्लान निरस्त किया जाए जो गलत तरीके से स्वीकृत किए गए हैं। विजयनगर जो क्षेत्र है उसके मास्टर प्लान से अधिक दूरी तक 500 मीटर का हवाला दे करके और गलत तरीके से प्लान स्वीकृत कर दिया, अन्य यूज की जमीनें थी, ऐसे कई वो है जिसकी वजह से लोग ये मांग उठा रहे हैं कि ये गलत प्लान पासिंग को निरस्त किया जाए ताकि एक बड़ा मैसेज जाए सरकार का कि गलत कार्य नहीं हो।
राम सिंह, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि ये गलत प्लान जो है वो स्वीकृत किया गया था और जाहिर सी बात है अधिकारियों के द्वारा किया गया था, तो क्या अब उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जी मीडिया प्रमुख ने मुद्दा भी उठा रहा है कि आखिर जो नियम विरुद्ध जो स्वीकृत किए गए हैं प्लान वो निरस्त किए जाए, क्षेत्र के लोग भी मांग कर रहे हैं और विभिन्न मंचों पे मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भी ये भेज रहे शिकायतें। क्योंकि देखिए और अन्य प्लान का जिक्र भी किया जा रहा है कि और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें प्लान जो है उनको निरस्त नहीं किया गया है, उसकी क्या वजह है, क्या कोई मिली भगत है इसमें अधिकारियों की? निश्चित रूप से मिली भगत के लोग बाकायदा लिखित में लोग दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि बड़ी मिली भगत हुई है, बिना मिली भगत के इस तरह के प्लान कैसे स्वीकृत हो सकते हैं। ठीक है, विक्रम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह आप जुड़े रहिएगा, विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, क्योंकि लोगों ने इसको लेकर धन्यवाद भी दिया, जी राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया था और उसी का असर यह है कि निरस्तीकरण किया जा रहा है, जो लोग हैं वो कितना परेशान थे और अब इसके बाद उनमें कितनी खुशी? देखिए कि जिस प्रकार नगर नियोजन के उच्च अधिकारी ने 17 तारीख को जिस प्रकार जी न्यूज ने जैसे ही खबर को प्रकाशित किया, प्रकाशन के बाद में समस्त जो अधिकारी हैं वो हड़कंप में मचा है और उनमें हड़कंप मचते ही उन्होंने तत्काल रूप से उनके प्लान को निरस्त कर दिया। लेकिन आज 17 तारीख से आज तकरीबन 28 तारीख होने आई है, लेकिन अभी तक नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उन्होंने अभी जो कानूनन जो पेच है उन्हीं में उसको डाल रखा है, अभी तक उनको पट्टों को अभी निरस्त नहीं किया गया है। हालांकि हमारी ईओ से बात भी हुई है, उन्होंने सोमवार का समय भी दिया गया है कि जो उन्होंने नोटिस जारी किया है उस नोटिस की सोमवार को जो तय अवधि है वो अवधि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में वो निरस्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज तकरीबन 10 से 11 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया पट्टो निरस्ती को लेकर के नहीं आई, ताकि जनता ये भी सोच रही है कहीं ना कहीं पट्टों को निरस्त नहीं करने के पीछे अधिकारियों की क्या मंशा है, क्या उनकी जो कानून की जो पेचीदे हैं वो उन पेचीदों में कानून की प्रक्रियाओं में कहीं उलझ नहीं जाए, पट्टे निरस्त की जो प्रक्रिया है कहीं रुक नहीं जाए। लेकिन जहां तक देखा जाए तो अधिशासी अधिकारी ने सोमवार को यह आश्वासन दिया है कि ये पट्टे की जो निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो तत्काल रूप से अपनाई जाएगी। और इसी के साथ में वहीं की जो लोकल के जो व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जागरूक जो व्यक्ति, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ कई प्रकार के इस प्रकार के जो इनलीगल जो कार्य हैं, जो भू जो भवन नियमों के जो विरुद्ध जो काम हो रहे हैं, मास्टर प्लान के जो विरुद्ध काम हो रहे हैं, उन पर क्यों अफसर कार्रवाई नहीं करते, उन पर क्यों मेहरबानी जता रहे हैं, इनमें कई प्रकार की ऐसी उनकी जो बातें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो शिकायतें आ रही है वो शिकायतों के अनुरूप जैसे जी मीडिया के पास पहुंच रही है वो तत्काल रूप से अधिकारी भी जैसे ही मीडिया में आने के बाद में तत्काल रूप से कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जी विक्रम, जो लीगल प्रोसेस, क्योंकि ईओ ने कहा कि कानूनी अड़चन है और अब अभी तक वो अड़चन, जैसा आपने बताया कि इतने दिन हो गए हैं, वो खत्म नहीं हो रही है, लीगल प्रोसेस अगर हो रही है लगभग कितना वक्त लगता है और कितने वक्त, कितना टाइमलाइन वो मांग रहे हैं कि कब ये लीगल प्रोसेस पूरी हो जाएगी? जैसा ही हमारे मेरे द्वारा या वहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप भी की गई, फोन पर उनसे बातचीत भी हुई, उन्होंने बताया कि हम स्टेप टू स्टेप इसकी कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम तत्काल रूप से कोई इस पर कार्रवाई कर दें। लेकिन जब तक सात दिन उन्होंने बताया कि 7 दिन का नोटिस दिया है और उसकी अवधि सोमवार को समाप्त होगी, तो लेकिन सोमवार को समाप्त यानी कि 17 तारीख को जिन उन्होंने प्लान निरस्त किया है, तो उनको प्लान निरस्त के जैसे ही सेकंड डेट 18 तारीख को या वो भी अगर नोटिस देते जल्दी कार्रवाई हो जाती। लेकिन अभी तक इस कार्रवाई में मेरे को लग रहा है कहीं ढीलम ढोल की कोई स्थिति नजर आ रही है, लेकिन अभी सोमवार का एक इंतजार किया जाएगा, सोमवार तक ये क्या अधिशासी अधिकारी क्या पुख्ता कार्रवाई कर पाते हैं, या जो कॉलोनाइजर जिन्होंने जिस प्रकार से मिलीभगत करके जो पट्टे जो बनवाए हैं, जिस प्रकार पट्टे बनाने में जो जल्दबाजी दिखाई है, देखिए कि ये फाइल जो थी करीबन 2 साल से ये फाइल पट्टे की प्रक्रिया में लगी हुई थी, लेकिन ये कांग्रेस के समय भी ये फाइल रुकी हुई थी, लेकिन भाजपा कार्यकाल में जैसे आते ही मात्र इन्हें 1-1.5 महीने में इन्होंने प्लान भी स्वीकृत करवा लिया और उसी 1-1.5 महीने के अंदर प्लान स्वीकृत करवा करके पट्टे भी स्वीकृत करा दिए, पट्टे भी प्राप्त कर लिए।
कहीं ना कहीं ये जो जल्दबाजी जो दिखाई है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत भी थी, लेकिन नगर नियोजन के अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से इस पत्रावली को निरस्त किया है, लेकिन अधिशासी अधिकारी की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो पुख्ता जो कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं वो दिलमदार या देरी निभा रहे हैं। जी ठीक है, राम सिंह, क्या ये एक बड़ा घोटाला था और ऐसे क्या बहुत सारे प्लान हैं जो घोटाले के तहत हैं और उनको निरस्त करना चाहिए? डीएलवी जो डिपार्टमेंट है नगर पालिकाओं का, अभी विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। जो गलत प्लान पास किया था उसके जो दोषी अधिकारी हैं, नगर पालिका जो अधिकारी है उनके खिलाफ अभी तक कदम नहीं उठाया। उसको लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्थानीय निकाय विभाग है, क्या उनके बड़े अफसर भी इसमें लिप्त है? इसको लेकर के क्षेत्र के लोगों ने कुछ स्तर पर शिकायतें भी की है, लेकिन अभी तक अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। ठीक है, तो ये प्लान निरस्त हुआ, वहां के लोगों ने आभार जताया है, लेकिन अभी भी सवाल ये है जिन लोगों की, जिन अफसरों की मिली भगत थी, क्या उन पर कार्रवाई होगी? और जो ऐसे मामले हैं, प्लान है, क्या वो भी निरस्त होंगे या इसी तरह से लीपापोती हो जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।